मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आप परभनी के जिला अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी के आलमगीर खान और इनके टीम की जानिब से आज परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया है भव्य धरने आंदोलन करने के बाद में। जिस तरह से इन्होंने धरने आंदोलन किया है, मुस्लिम समाज के 5% के रिजर्वेशन को लेकर इन्होंने धरने आंदोलन किया और धरने आंदोलन करने के बाद में परभनी के निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़कर इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिस तरह से गुस्ताखी की गई है, अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिस तरह से गुस्ताखी की गई है, उस गुस्ताखे रसूल को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसकी के साथ में मुस्लिम समाज को 5% का रिजर्वेशन दिया जाए, ऐसी भी मांग इन्होंने की है। इस वक्त जिस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद थे, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। परभनी के वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर अध्यक्ष, परभनी के शहर अध्यक्ष कलीम खान और उसी के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के बड़ी तादाद में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है और क्या आह्वान वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने कहा है। इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान इन्होंने क्या आह्वान किया है, आइए जानते हैं। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से महाराष्ट्र राज्य में बाड़ा साहब एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर के आदेश पर हम मुस्लिम समाज को जिस तरह से पिछली सरकार और अभी की मौजूदा सरकार और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश 5% रिजर्वेशन को लेकर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करना, उसको लागू नहीं करना, एक तरह से जो अभी की सरकार अपने आप को एक जनता के लिए सेक्युलर सरकार के तरह दिखाई जाती है, तो हम ये मांगनी करते हैं कि सरकार से महाविकास आघाड़ी आज तुम सत्ता में बैठे हो, सेक्युलर पक्ष और सेक्युलर सरकार अपने आप को कहते हो, तो मुस्लिम समाज में 5% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपना कदम क्यों नहीं उठाते, और जिस तरह की हालात मुसलमान समाज में मुस्लिम समाज की कर दी गई है 1947 से लेकर आज तक, जितना मुस्लिम समाज को नकारा गया, उन्हें कोई आरक्षण के नाम पर सिर्फ एक झांसा देते हुए आरक्षण को लागू नहीं किया, धोखा देते आए, तो वंचित बहुजन आघाड़ी अपने माध्यम से यहाँ परभनी ज़िला में जिला अधिकारी के पास सरकार को जिला अधिकारी के माध्यम से निवेदन दिया है कि 5% रिजर्वेशन सरकार लागू करे, और साथ ही साथ जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जा रही है और कुछ लोग जो मानसिकता सांप्रदायिक रखते हैं उस तरह का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मोहम्मद के बिल को अपना विधानसभा में पास किया जाए ताकि इस तरह के जो जहरीले मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये हम अपनी मांगनी सरकार से करते हैं। धन्यवाद। परभनी के जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से जिस तरह से परभनी के जिला अधिकारी ने निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जिस तरह से किसानों का बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, और यही नहीं बल्कि रिलायंस कंपनी ने जिस तरह से बीमा कंपनी रिलायंस की जानिब से बीमा जिस तरह से किसानों का लिया गया है, इसी को लेकर परभनी के माजी आमदार सुरेश राव जी देशमुख और पाथरी के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर, यही नहीं इनके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, परभनी के स्थायी समिति के सभापति गुलमीर खान, इन सब ने मिलकर एक निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों का बीमे का नुकसान हुआ है, इन बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की जाए और इन पर गुनाह दाखिल किया जाए। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया माजी आमदार सुरेश राव जी देशमुख इन्होंने दी और क्या मांग इन्होंने की है। कंपनीकडून इन्शुरन्सचे पैसे दोन्ही हंगामाचे दिले नाहीत। जिल्ह्यातल्या 3,24,670 लोकांचा विमा निघालेला आहे आणि हे रिलायन्स कंपनीवाले टाळाटाळ करत आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन शासन आणि केंद्र शासन यांना असं कळवा म्हणलं, या रिलायन्स कंपनीच्या विरोधात गुन्हा जे दाखल झाला आहे त्यांना अधिकाऱ्यांना इथं घेऊन या आणि शेतकऱ्यांचे पैसे वाटप करा ताबडतोब।
या मागणीसाठी आम्ही जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने भेटलो, परत आमचे आघाडीचे सर्व मित्र आणि शेतकऱ्यांचा प्रश्न असल्यामुळं या याच्यामध्ये आम्ही सर्वच सोबत आहोत आणि या शेतकऱ्यांचे पैसे मिळाव यासाठी प्रयत्नशील आहेत। धन्यवाद। राष्ट्रीय सैनिकी संस्था की जानिब से जिस तरह से एसटी महामंडल के कर्मचारियों का और अधिकारियों का आंदोलन काम पर आंदोलन चल रहा है, उसी के चलते इन्होंने राष्ट्रीय सैनिकी संस्था की जानिब से एसटी कर्मचारियों के मांगनियों पर जिस तरह से इन्होंने जल्द से जल्द तोड़का निकाला जाए ऐसी मांग इन्होंने की है और परभणी के जिलाधिकारी ने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि जिस तरह से इन्हें ये आंदोलन कर रहे हैं उन्हें इंसाफ दिया जाए। इसी को लेकर राज्य उपाध्यक्ष महाराष्ट्र के विठल रनबावड़े इन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं परभणी आज तक से इन्होंने क्या कहा है और क्या मांगनी इन्होंने की है। राष्ट्रीय सैनिक संस्थेचा महाराष्ट्र प्रदेशचा उपाध्यक्ष तसेच महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा याचा राज्य संघटक व सेवाधार फाउंडेशनचा संस्थापक अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर एसटी महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे। मागील काही दिवसापासून या संपाचा अद्यापही शासनाने तोडगा काढला नसल्यामुळे संताप तो व्यक्त केला जात आहे। त्यामुळे आज माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांच्या मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना निवेदन सादर करण्यात आलं आहे की कामगारांच्या आंदोलनासंदर्भात तात्काळ तोडगा काढावा जेणेकरून सामान्य नागरिकांची विद्यार्थ्यांची होणारी हेळसांड थांबेल, या संदर्भात आज या ठिकाणी माननीय महोदयांना निवेदन देऊन सादर करण्यात आलेलं आहे मागण्यासंदर्भात। जर ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबी, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे आप हमारे न्यूज़ पर कॉमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल दरगाह के सामने हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास परभणी, बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए एक बार जरूर आए। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ, एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है, मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी, याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं, आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। एयर फिटर उड़ान पुल के पास अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभणी, 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना ले, ये नंबर पर फोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस सुबेदार नगर डिपो के पास परभणी।
अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सुबेदार नगर डिपो के पास परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890032128। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूल व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कॉन्टैक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक वो नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925, सेकेंड नंबर 9420621924।